प्रिंस भाई और गौतम भाई ये दोनों बोल सकते हैं कि एक विराट कोहली है तो एक एम एस धोनी है रियलिटी शोज़ का करेक्ट बिल्कुल बोल सकते आ, इन लोगों को ना सारे प्यार करते हैं मतलब ये चाहे वो आप उनकी टीम में हो ना हो आ, प्यार उनको मिलता है कि भाई और इन्होंने एक्चुअली प्रूव किया अपने आप को ये कई रियलिटी शोज जीते हैं अभी जज कर रहे हैं तो रियलिटी शोज़ में एक लेवल तक लेजेंड बन चुके हैं वो आ, आपका क्या ख्याल है क्या स्पेशल बनाता है उन दोनों को क्या स्पेशलिटी उन दोनों की आपके हिसाब से और किस लिए आपको किस लिए ऐसा लगता है कि वो बहुत आ, बड़े हो चुके हैं बहुत लेजेंड्स बन चुके हैं रियलिटी शोज़ के आई फील प्रिंस भाई की तो जर्नी ऐसी रही है मतलब रोडीज से लेके रोडीज में यू you नो know, आपको चैलेंजेस वगैरह परफॉर्म करने एंड मतलब मेरे को ऐसा कोई याद नहीं है कि वो कभी हारे हों चैलेंज वगैरह mm -hmm. तो फिर रोडीज इज़ अबाउट टास्क तो वहाँ पर वो जीते हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एंड वो भी काफ़ी हद तक जो दिल से खेलते हैं ना मन से रियल और mm -hmm. प्रिंस भाई का मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है कि भाई वो अपनी जीजान डाल देते हैं शो में ही इज़ नॉट देयर जस्ट टू बी देयर मतलब उन्हें गेम में रहना है उन्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए एंड ही गिव्स इज हंड्रेड परसेंट मतलब मैंने रोडीज टाइम नोटिस किया है एंड वही अगर गौतम भाई की बात करें तो ही इज़ वेरी प्योर एट हार्ट क्या इज वेरी प्योर एट हार्ट एंड आई फील कि बिग बॉस एट आई गेस उन्होंने जीता था तो तब मैं नाइन टेंथ स्टैंडर्ड में होता था तो ही हीस टू बी माई फेवरेट एज वेल लाइक वो जैसे मतलब मैं कहीं कही ना कहीं उनसे रिलेट कर पाता हूँ कि जैसे मेरा रूडीज में था वन वर्सेस ऑल और वैसे ही उनका था बिग बॉस वाला तो फिर वो भी अपने स्टैंड्स पे रहते थे उनको भी उतना नहीं था कि भाई सारे अगेंस्ट हैं या नहीं है बीइंग hmm. देम और औरों की बातों में ना आना देट इज़ेस्ट थे या आई फील क्योंकि बहुत जल्दी लोग वहाँ मैनिपुलेट हो जाते हैं बट बींग योर और जो तुम्हें ठीक लग रहा है और वही तुम कर रहे हो दैट मेक्स यू द बिगर लेकिन कई टास्क कई टास्क के बीच में उन दोनों में भी थोड़ी सी झड़प हो जाती है एक कभी प्रिंस भाई गौतम भाई को सुना देते हैं कभी गौतम भाई प्रिंस भाई को सुना देते हैं इन, इन फाइट्स को इन इन जो ये जो फाइट्स होती है इस पर आप क्या कहेंगे <laughs> क्योंकि दो लेजेंड्स जब आपस में लड़ते हैं कोहली रोहित जब आपस में लड़ेंगे तो टीम कैसे आगे जाएगी वही ना वो अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं वहाँ पे एक दूसरे के तो वो वही प्रिंस भाई इज़ वेरी एग्रेसिव गौतम भाई इज़ काम एंड कम्पोज तो फिर वो ऑब्वियसली वहाँ पे उनको चाहिए कि हमारी गैंग जीते और आ, आ, हम आगे जाएं तो फिर वो उस वजह से वो बैंटर्स हो जाती हैं और फिर दोनों बिग बॉस विनर्स हैं तो वो एक डेफिनेटली कहीं ना कहीं आई फील कि ईगो तो रहती है ईगो हाँ, तो, फैक्टर आता है हाँ हाँ बिल्कुल ईगो क्लाशेज काफ़ी हद तक कह सकते हैं इन सब चीज़ों को